नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 542वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं अहमदाबाद से वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज चिकित्सक और रोगी की मनोवृत्तियों का विश्लेषण और चिकित्सकीय सामंजस्य के बारे में बात करेंगे। तो मैं वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। की शुरुआत करता हूँ। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने आप को मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझता हूँ कि स्नातक करते समय ऋषि भारद्वाज के आश्रम के बगल में रहने का मौका मिला और आज जहाँ पे हमारी कर्म भूमि है वो ऋषि दधीच की भूमि है। और आप जैसे दिग्गज आचार्यों के साथ उनके सानिध्य में इस ज्ञान गंगा में शामिल होने का और उसमें अपने कुछ प्रयासों को अंकित कराने का मौका मिलता रहता है। आज का जो विषय लिया गया है वो चिकित्सक और रोगी। कोई भी जब रोग होता है तो संपर्क में यही दोनों आते हैं। और अभी तक जो भैषज कल्पना पे हम लोगों ने काफी सारी सीरीज की, उसमें देखा कि कौन कौन से चीजें हैं जो किसी के रोग के विश्लेषण, उसके प्रतिपादन और उसके उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किस तरीके से उनको किया जाता है। तो उसी में जो एक महत्वपूर्ण तत्व है, चिकित्सक का होना, रोगी का होना और दोनों का एक दूसरे को समझना। तो जहां समझ की बात आती है वहां पे हर एक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक मनोवृत्ति होती है। तो भारतीय जो परंपरा रही है, भारतीय परंपरा बड़ी समृद्ध परंपरा रही है अलग अलग तरीके के रिसोर्सेस के कारण। और जहां समृद्धि होती है वो ज्यादातर ऊंचाइयों और गहराइयों में देखते हैं। तो हमारा जब भी जो है फिलोसफिकल एनलाइटमेंट होता है तो या तो वो ब्रह्म की तरफ जाता है या अंतर मन की तरफ जाता है। लेकिन अगर पाश्चात्य देशों की बात करें तो पाश्चात्य देशों में ये चीजें, वहां के रिसोर्सेस को आप देखें तो 9 महीने सर्दियां पड़ी रहेंगी, अगल बगल जो रिसोर्सेस हैं लिमिटेड हैं। तो उन लोगों ने वो एक्चुअली ट्रेडिंग कम्युनिटी रही है। तो ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए क्या चाहिए? तो चाहिए ये भैया कि वो समझें कि हमको किन से डील करना है, किस तरीके के वो लोग हैं और इस तरीके के विश्लेषण उनके रहे हैं। साइकोलॉजी जो है वो उसको मूलतः दो प्रकार में विभाजित किया गया है। एक है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूं कि मानव संसाधन विभाग में कार्यरत होने के कारण
लगभग 12 साल तक हमने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को प्रैक्टिस किया, और अलग अलग जो इसके टूल्स हैं जैसे फायरॉबी है, MBQTI है, PF16 है, इसके अलावा आज जिसकी बात करने वाले हैं वो डिस्क है और 360 है। इस तरीके के अलग अलग टूल्स हैं जो अलग अलग पर्सनालिटीज को और उनके ट्रेट्स को उजागर करते हैं। जो डिस्क की बात कर रहे हैं, ये अगर बचपन में देखा जाए तो हम लोग जो है एक गेम खेला करते थे जिसमें एक तस्तरी टाइप की होती थी जो उड़ा करती थी, तो मोटा मोटा वैसे ही समझ में आता है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस, स्टेडिनेस और कंप्लायंस या कॉन्सिटियंस। तो ये जो फुल फॉर्म है वो अपने आप एक तरीके से इंगित करता है कि किस तरीके की पर्सनालिटीज होती हैं। ये सामान्य तौर पे समझने के लिए लिया गया है, इसमें भी काफी डेवलपमेंट हुआ है, और जो पर्सनालिटीज होती हैं को केवल एक तरीके की नहीं होती हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की बात करें तो ये भी चीज उतनी ही सामान्य है कि हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, और साथ में ये भी रहेगा कि हो सकता है जो तरीके यहाँ पे बताए जाएं उससे कुछ विविध तरीके के भी लोग मिलें, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना बायोलॉजी, बायोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सेप्शन, जीव विज्ञान एक्सेप्शनल होता है, तो उसी तरीके से मनोविज्ञान तो और एक्सेप्शनल है क्योंकि वो वायवीय तत्व है, वैचारिक तत्व है, तो लेकिन उसमें जो भी मनोप्रवृत्तियां हैं उसमें चेष्टाएं हैं कोई भी गलत नहीं है, बशर्ते वो एक्सट्रीमिस्ट ना हो, और कहीं ना कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा रही। तो आज जो ये विषय उठाने का मेरा लक्ष्य है वो ये है कि हम ये समझ पाएं कि जो अलग-अलग तरीके की मनोवृत्तियों वाले व्यक्तित्व हैं, चाहे वो चिकित्सक हो चाहे वो रोगी हो, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे और उनकी जो नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हुए किस तरीके से हम एक बेटर कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं, और बेटर कम्युनिकेशन स्थापित करते हुए जो ध्येय है रोगी को ठीक करने का उसको किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे ये एक चक्राकार है, चक्राकार में चार भाग हैं, एक जो डी लिखा हुआ है वहां पे डोमिनेंस दिख रहा है, आई के सामने इन्फ्लुएंस दिख रहा है, एस के सामने स्टेडीनेस दिख रहा है और सी के सामने कॉम्प्लायंट दिख रहा है, राइट? तो नॉर्मली देखिए, अगर हम लोग सामान्य जीवन यापन में देखें तो आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बड़े ही एनर्जेटिक दिखते हैं, बड़े ही एनर्जेटिक दिखते हैं, उनका अगर हैंडशेक भी होगा, जस्ट आप समझिए, दो एग्जाम्पल्स लेते हैं उसी को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे सो दैट आसान रहे समझने के लिए। अब मान लीजिए कि चार पांच लोग जो है लिफ्ट में आ रहे हैं, एक आदमी आता है वो सीरियसली खड़ा हो जाता है, दूसरा आदमी आता है आपसे शेक हैंड करता है और ग्रीट करता है, तीसरा आदमी आता है शेक हैंड करता है ग्रीट करता है बट स्माइल नहीं करता उस हिसाब से, और चौथा आदमी आता है और एक कोने में खड़ा हो जाता है, और आप स्वयं तो है ही। तो अब इसमें आप देखेंगे कि जो आदमी आया है और तटस्थ है, या सबसे पहले उसने बटन दबा दी भाई मुझे यहाँ जाना है, वो डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और
उसका ध्येय अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जो दूसरा आदमी है जिसने ग्रीट किया और स्माइल किया वो इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड आदमी है। तीसरा आदमी है जो ग्रीट तो करता है बट उतना वार्म वेलकम नहीं करता है, वो सामाजिक व्यक्ति है बट उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड नहीं है। और तीसरा आदमी जो है वो वर्क ओरिएंटेड तो है बट बहुत ही पैसिव है। तो इसके जो चार कोने हैं आप देख सकते हैं, एक दिखाता है एक्टिवनेस की तरफ और दूसरा दिखाता है, सामने जो रिफ्लेक्टिव लिखा हुआ है उसको आप रिस्पॉन्सिव भी समझ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप दाएं बाएं देखेंगे तो एक तरफ टास्क फोकस दिखा रहा है और दूसरी तरफ पीपल फोकस दिखा रहा है। आप इसमें अगर देखें तो डोमिनेंस के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है डायरेक्ट, डिसीजिव, डूअर मतलब करने वाला, एग्जीक्यूशन करने वाला, डोमिनियरिंग दबाने वाला, डिमांडिंग डिमांड करने वाला, एक्सपेक्ट करने वाला। उसी तरीके से जो इन्फ्लुएंशियल आदमी, इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड आदमी रहेगा वो इंस्पायर करने की कोशिश करेगा, इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, इम्पल्स, और अगर नेगेटिव साइड पे होगा तो इम्पल्सिव होगा, इरिटेटिंग होगा। जब जो बोलते हैं ना हम लोग, यहाँ कहावत है अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भरा न भला बरसना, अति की भली न धूप। आपसे कोई बात करता है, आपको कोई ग्रीट करता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही बात अगर एक घंटे चली जाए और आपका कुछ अर्जेंट काम हो देन इट बिकम्स इरिटेटिंग, तो उस तरीके की चीज हो जाती है। तीसरा होता है स्टडी वाला, तो उसका जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टेबल रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, सिंसियर रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, स्लो रहेगा थोड़ा, और सेंसिटिव भी रहेगा, वो लिसन तो करेगा एटलीस्ट। और जो कॉम्प्लायंट बंदा रहेगा वो कॉशियस रहेगा, केयरफुल रहेगा, एनालिटिकल होते हैं ऐसे लोग काफी, कैलकुलेटिव अगर नेगेटिव साइड पर रहेगा तो कैलकुलेटिंग रहेगा और कॉन्डेंसेंडिंग रहेगा। अभी इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो डोमिनेंस जिन पर्सनालिटीज में ज्यादा होता है वो डिसीजन लेने में फास्ट रहते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, स्किलफुल होते हैं, डेयरिंग उनमें ज्यादा रहती है, डायरेक्ट अप्रोच रहता है, इनोवेटिव होते हैं, कुछ भी नया करना हो तो हिचक नहीं रहेगी, परसिस्टेंट रहेंगे, पीछे पड़े रहेंगे जब तक वो चीज हो न जाए, एडवेंचरस रहेंगे, कुछ नया करने का उनमें जज्बा रहेगा, प्रॉब्लम को के ऊपर बैठने की तुलना में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और रिजल्ट लेके आने में विश्वास करते हैं। जो इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड लोग होते हैं वो चार्मिंग चीयरफुल रहेंगे, कॉन्फिडेंस उसमें उसमें भी अच्छा रहता है, कन्विंसिंग होते हैं, कन्विंस कर ले जाते हैं लोगों को, एंथुजियास्टिक होते हैं मतलब उनमें जो है उत्साह काफी ज्यादा रहेगा, लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, लोगों को वो परसुएट करते हैं ऐसा करो, इस तरीके का वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और ट्रस्ट करते हैं लोगों पे और लोग भी उन पे ट्रस्ट करते हैं। जो स्टेडीनेस से की तरफ ओरिएंटेड लोग रहते हैं वो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, फ्रेंडली होते हैं, लिसन अच्छा करते हैं, पेशेंस होता है उनमें, काम रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, सिंसियर होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थिर दिमाग के होते हैं और टीम में काम करने वाले लोग होते हैं। और जो कॉन्सेंटियस लोग होते हैं वो बड़े एनालिटिकल होते हैं, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रिसाइजनेस पे ध्यान देते हैं, एनालिटिकल होते हैं, कोई भी चीज जो बताई गई है उन नियमों का परिपालन करने में बहुत ही ज्यादा शिद्दत से काम करते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होंगे,
फैक्ट्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और जो लक्ष्य है उससे आगे पीछे नहीं होंगे। सो इस तरीके का रहता है। अच्छा, अभी ये चार चीजों को हम देखते हैं। अब इन चार चीजों में कल्पना करिए कि एक डॉक्टर बैठा है। पहले हम डॉक्टर की बात करेंगे, चिकित्सक की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि एक जो है रोगी। मैं आप लोगों को उस पर्टिकुलर परिस्थिति में डाल रहा हूं ताकि हम समझ सके। हमारे पास ऐसी संभावनाएं रोज रहती हैं। तो अगर देखें कि एक डॉक्टर है जो डिसीजिव है, कॉम्पिटिटिव है, डेयरिंग है, डायरेक्ट है और परसिस्टेंट है, तो वो बहुत ही अच्छा सर्जन हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को स्किलफुल होना पड़ेगा और कैसी भी सिचुएशन आ जाए ही शुड बी परसिस्टेंट एंड एट द स्पॉट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर काउंसलिंग वाला कोई काम है, जैसे मान लीजिए एक साइकोलॉजिकल काउंसलर है या जनरल फिजिशियन है, तो वो जिसकी इन्फ्लुएंसिंग ओरिएंटेड पर्सनालिटी रहेगी वो वहां पे बहुत अच्छा सूट करता है और लोग अप्रिशिएट करेंगे और वो लोगों को इन चीज का डायग्नोसिस करना है, तो उसके लिए जो है जो स्टेडीनेस से रिलेटेड पर्सनालिटी रहेगी। और मान लीजिए कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी है, रिसर्च ओरिएंटेड चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसमें कंप्लायंस या कॉन्सेंटियस जो पर्सनालिटी है वो काफी सूट करती है। अब इसी को विपरीत कर लेते हैं। अब बात करते हैं, एक पेशेंट है जो बड़ा ही डोमिनेटिंग है, तो वो सबसे पहले आके आपको क्या बोलेगा? वो खुद ही बता देगा कि साहब मुझे, जो उसको पता होगा उसके हिसाब से, साहब मुझे सर्दी है या मुझे ये रोग हुआ है और कब तक ठीक होऊंगा। एक तरफ वो बता डिसीजन भी दे दे रहा है कि भैया ये है और साथ में डिमांड कर रहा है कि कब तक, रिजल्ट ओरिएंटेड, कब तक ठीक होगा। इन्फ्लुएंशियल होगा, वो आगे पीछे की लक्षण बताएगा, ऐसा हुआ था तो उसके कारण ये हो गया तो वो हो गया, खूब सारी स्टोरी रहेगी आगे पीछे, आपको उसमें से पता करना रहेगा। आप अगर कुछ बात कर रहे हैं तो वो सुनेगा भी, मान लीजिए सलाह सूचन कर रहे हैं तो। और अगर स्टडीनेस वाला बंदा है तो वो बैलेंस्ड रहेगा, कुछ चीजें जो जो आप पूछेंगे वो बताएगा और जो आप बताएंगे उसको धैर्य से सुनेगा और उसी वे में पालन करेगा। और जो कंप्लायंट बंदा रहेगा उसको आपको समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, जितना पूछोगे उतना ही बताएगा, उसमें भी लाक्षणिकताओं को आपको ज्यादा डायग्नोज करना पड़ेगा। और जो चीजें आप बताओगे उनको वो फॉलो करेगा, उसकी तो खैर गारंटी है। तो इस तरीके की चार पर्सनालिटी, चार मोटा मोटा चार बता रहा हूं मैं। अभी होता क्या है कि ये चारों चीजें जो है ना एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती है। जैसे हम लोग त्रिदोष की बात करते हैं ना, कि त्रिदोष तो शरीर में रहता ही है और वो उसी में से कोई सबल हो जाता है और कोई निर्बल हो जाता है, या दो सबल हो जाते हैं और उन दोषों से रोगों की उत्पत्ति होती है। तो इसी तरीके से विकारों की जो उत्पत्ति होती है, इसी तरीके से यहाँ पे ये चीजें कमोबेश सभी में रहती ही, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट नेगेटिव किसी का नहीं हो सकता है। अपर साइड लोअर साइड जो भी होता है उसके हिसाब से करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि लक्षण चेंज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब
आप देखते हैं कि इसमें जो डायरेक्टनेस और ओपननेस हर एक स्टाइल का, और पेस और प्रायोरिटी हर एक स्टाइल का। डायरेक्टनेस मतलब अपफ्रंटली वो क्या करता है या कहता है, और पेस मतलब काम करने के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा रहता है। तो जो डोमिनेंस पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, और अगर वो डोमिनेंस में अपर साइड पे नहीं हुए तो वो अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होगी तो वो डायरेक्टली अप्रोच करेगी और ओपनली बात करेगी। डोमिनेंस में और इन्फ्लुएंस में ये अंतर है कि डोमिनेंस पर्सनालिटी के लोग काम ज्यादा करेंगे, बोलेंगे कम। इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी के लोग बोलेंगे ज्यादा, काम कम होगा। स्टडीनेस की बात करें तो ये इनडायरेक्ट रहेंगे लेकिन खुल के बात करेंगे, और कॉन्शियस कॉन्सेंटियस की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट रहेंगे और गार्डेड रहेंगे, अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे और उसमें से आपको रास्ते निकालने होंगे। ठीक है, ये एक तरीके से ऐसा समझिए कि इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पर्सनैलिटी जो होती है, मतलब जिसको बोलते हैं कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, तो जो बहिर्मुखी होते हैं वो डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी के लोग होते हैं। समटाइम्स स्टडीनेस पर्सनालिटी के लोग भी उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली केवल एक टाइप की पर्सनालिटी प्योरली नहीं हो सकती 100%, तो या तो उसमें इन्फ्लुएंस या फिर डोमिनेंस का अगर थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा तो उस हिसाब से उनमें भी ओपननेस आ सकता है। लेकिन यह है कि ऐसा देखा गया है कि जिनकी स्टडीनेस की या फिर कॉम्प्लायंस की पर्सनैलिटी रहती है वो लोग अपने आप को एक तो इनडायरेक्ट अप्रोच रखते हैं, और दूसरा जो है अपने आप इंट्रेंसिक होते हैं, बहुत ज्यादा ओपन नहीं। ओके, अब बात करते हैं फोकस की। तो डोमिनेंस जो होते हैं फास्ट पेस्ड होते हैं और टास्क ओरिएंटेड होते हैं, उनको चैलेंज चाहिए, रोज बरोज चैलेंज चाहिए। तो उन वो जो है जैसे ही काम एक खत्म हुआ तो दूसरा काम उठा लेंगे। इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड जो लोग होते हैं वो फास्ट पेस्ड तो होते हैं लेकिन पीपल ओरिएंटेड होते हैं, सो वो लोगों को ज्यादा अटेंड करेंगे। स्टेडीनेस जो होते हैं स्लो पेस तो होते हैं लेकिन पीपल ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा, स्टेडीनेस टाइप के जो लोग होते हैं वो बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं, तो कई बार वो टीम वर्क के थ्रू वो चीजें कर ले जाते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के कारण फेलियर के चांसेस भी कम रहते हैं। जो कॉम्प्लायंट टाइप की पर्सनालिटीज होते हैं वो स्लो पेस तो होते हैं लेकिन टास्क ओरिएंटेड होते हैं। और टास्क ओरिएंटेड होते हैं मतलब वो अगर लिखा है कि भैया 98.4 डिग्री सेल्सियस का तापमान ही बॉडी का सही तापमान है, तो उसके ऊपर वाला जो भी रहेगा, भले अब नॉर्मली हम लोग ऐसा समझते हैं 98.6 तक तो भाई ठीक है, नॉर्मल है, उसमें कोई बुखार नहीं होता, किसी का 98.7 भी होता है तब तक हम नहीं गिनते, 99 के बाद से गिनना शुरू करते हैं। लेकिन हिल से नो, इट इज नॉट सो, सो विल कंसीडर इट एज अ फीवर, सो दैट वे इट मे हैपन। तो इस तरीके का उनका कंप्लायंस रहता है, रूल्स को फॉलो करने का तरीका रहता है। आगे चलते हैं। अब अलग अलग जो इनके एस्पेक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अगर हाई डोमिनेंट स्टाइल है तो वो
रहेंगे, जबकि जो हाई इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल रहेगा वो परसुएसिव रहेगा, हाई स्टडी स्टाइल रहेगा वो सपोर्टिव रहेगा, और हाई कॉन्शियस कॉन्सेंटियस स्टाइल जो रहेगा वो एनालिटिकल रहेगा। अभी जैसे मान लीजिए कि एक कोई घटना घटी, अब जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने एक पेपर पढ़ा आयुर्वेदा की क्लास चल रही, ठीक है, तो जो डोमिनेंट बंदा होगा ये देखेगा कि भाई काम हो गया, क्वालिटी का हुआ कि नहीं हुआ। जो इन्फ्लुएंसिव रहेगा वो उसमें जो एलोबरेशंस थे और बाकी सारी चीजें थी उस पे ये करेगा। अच्छा, जो ये रहेगा स्टडी रहेगा वो सपोर्टिव रहेगा, तुमने बढ़िया किया एंड ऑल दैट। जो कंप्लाइंट वाला रहेगा वो उसमें से 5 पॉइंट जो कम थे वो बताएगा और कोशिश करेगा हाईलाइट करने की, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ठीक हो। अच्छा, मान लीजिए उसी सिचुएशन में ऐसा होता है, एक बंदा बोलता है कि भले मेरा चांस है लेकिन मैं मुझे लगता है नहीं कर पाऊंगा, तो ये जो हाई डोमिनेंट स्टाइल वाला बंदा होगा उसका रिस्पांस क्या रहेगा? तुमने नाम लिखाया है, तुमको करना ही होगा। दूसरे बंदे का रहेगा, देखो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तुमको करना चाहिए। तीसरे का अप्रोच होगा, तुम कर सकते हो, तुमने इसके पहले किया हुआ है। चौथे का अप्रोच होगा, वो एनालिटिकल होगा, वो इस तरीके से होगा कि भाई देखो आगे पीछे जो चीजें हो रही हैं उस हिसाब से इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, फैक्ट ओरिएंटेड। सो दैट वे इट इज, जस्ट समझाने के लिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो जो हाई डोमिनेंट बंदा होगा वो डिमांड करेगा, जो हाई इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल होगा दैट विल अटैक। अटैक मतलब इट इज नॉट अ फिजिकल अटैक, वो जो है उसमें जो कमियां होंगी उस पे बात करेगा। जो हाई स्टडी होगा वो मान लीजिए कोई चीज हो रही है तो उसको कंप्लाई करने की कोशिश करेगा, और जो कंप्लाइंट वाला बंदा होगा अवॉइड करने की कोशिश करेगा कॉन्फ्लिक्ट को। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला बंदा जो ये जो डोमिनेटिंग बंदा है वो चीजें फुलफिल करेगा, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो वो बोलेगा कि भैया तुम, मान लीजिए कोई रास्ते में आ रहा है, तुम हट जाओ, दैट इज द डिमांड। ये बोलेगा कि अगर इन्फ्लुएंसिंग है तो ये बोलेगा कि भाई अगर तुम नहीं हटे तो टक्कर हो सकती है। दूसरा वाला बोलेगा चलो मैं ही हट जाता हूं, और तीसरा वाला अगर पहले से ही मतलब 10 मीटर दूर से ही निकल जाएगा। इस तरीके की सिचुएशंस होती है। नीड्स क्या है? तो जो हाई डोमिनेंट स्टाइल है उसकी नीड है कंट्रोल करने की, उसको कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए। हाई इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल है उसको अप्रूवल चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। हाई स्टडी वाले को रूटीन चाहिए, एक तरीके की चीज हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, और जो कंप्लायंट बंदा है उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, स्टैंडर्ड्स चाहिए। सब चीजें लिखित होनी चाहिए, कोई भी चीज अनप्लान्ड नहीं। प्राइमरी ड्राइव क्या है हाई डोमिनेंट बंदे की? तो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता या स्वायत्तता होनी चाहिए। काम आपने सौंप दिया वो करके आएगा, कैसे करना है उस पे छोड़ दो। हाई इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल जो है वो इंटरेक्ट करेगा, हाई स्टडी स्टाइल स्टेबिलिटी रखेगा, उसके इंटरेक्शन में भी लिसनिंग ज्यादा रहता है, वो खुद कम बोलेगा। और जो कंप्लायंस वाला बंदा रहेगा वो
भाई जो भी चीज हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ज्यादातर टाइम उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसी चीज पे रहेगा। प्रिफर्ड टास्क क्या रहेगा, तो हाई डोमिनेटिंग जो स्टाइल रहेगा वो चैलेंजिंग। कई लोग ऐसे होते हैं ना भाई, मैंने तो 10-10 साल पुराने ऐसे विकट से विकट रोग सही किए हैं, तो ऐसे वाले जो अप्रोच वाले लोग रहेंगे या करने की कोशिश करेंगे वो डोमिनेंस स्टाइल वाले ज्यादा करेंगे। हाई इन्फ्लुएंशियल वाले पीपल रिलेटेड रहेंगे, मासेस को टिक करने की कोशिश करेंगे। हाई स्टडी स्टाइल वाले शेड्यूल्ड जो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा उसको करने की कोशिश करेंगे, और ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं, ऐसे ही आएगा यहीं बैठेगा, इस तरीके से बात होगी, 5 मिनट में निकल जाना चाहिए, और ये चीजें चेक करेंगे और ये दवा होगी। दैट वे सो कंफर्टेबिलिटी क्या है, तो हाई डोमिनेंस वाले की कंफर्टेबिलिटी डिसीजिव होना है, इसकी सोशल फ्रेंडलीनेस या सोशल एक्सेप्टेंस है इन्फ्लुएंस वाले की। स्टडी वाले की टीम का पार्ट होना है, और जो कॉम्प्लायंस वाला है उसकी ऑर्डर एंड प्लानिंग है। हाई डोमिनेंट का पर्सनल स्ट्रेंथ प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, इन्फ्लुएंसिंग का एनकरेज करने का है, स्टडीनेस का सपोर्ट का है, मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूं करके, और जो कॉम्प्लायंस वाला है उसका ऑर्गेनाइजिंग का है। स्ट्रेंथ जो ओवर एक्सटेंडेड स्ट्रेंथ क्या है, प्री ऑक्यूपेशन ऑफ गोल्स ओवर पीपल। अगर आदमी और गोल में से चुनना होगा, आदमी को वह छोड़ देगा, गोल पहले पूरा करेगा। हाई इन्फ्लुएंस वाले का रहेगा वो बिना सोचे बोल देगा, फिर बाद में होता है नहीं होता है देखा जाएगा। और ये लोग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जो हाईली इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ डोमिनेंस भी रखते हैं। जो हाई स्टडी स्टाइल होगा प्रोक्रेस्टिनेशन उनमें रहता है, और जो कंप्लायंस वाले रहते हैं उनमें ज्यादातर एनालाइजेशन हर चीज का करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल लिमिटेशन देखें तो ये जो हाई डोमिनेंट वाला होगा वो टू डायरेक्ट होगा और बहुत ही इंटेंस रहेगा। जो इन्फ्लुएंशियल रहेगा डिसऑर्गेनाइज रहेगा, ज्यादातर इमेजिनेटिव लोग रहते हैं। जो स्टडी रहेगा कई बार इनडिसीजिव हो जाता है और इनडायरेक्ट रहता है। अगर कॉम्प्लायंस की बात करें तो काफी डिटेल्ड और इम्पर्सनल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल वांट्स की बात करें तो हाई डोमिनेंट स्टाइल में कंट्रोल और वैरायटी चाहिए, नोवाइसनेस चाहिए, रोज नया चैलेंज चाहिए। हाई इन्फ्लुएंस की बात करें तो अप्रूवल चाहिए और ओपननेस चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इसको। स्टडी वाले को रूटीन चाहिए, और कॉम्प्लायंस वाले को स्टैंडर्ड्स, रिटन रूल्स चाहिए, लॉजिक चाहिए। पर्सनल फियर, तो डोमिनेंस वाले का फियर क्या रहेगा, लूज ना हो जाए कोई चीज, छूट ना जाए, मेरा गोल छूट ना जाए, ये चीज रह ना जाए। इन्फ्लुएंस वाले का लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग हमसे अलग तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये पीपल ओरिएंटेड है, ये सडन चेंज से डरता है हाई स्टडी वाला, और ये गलत होने से डरता है कंप्लायंस वाला। ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल डोमिनेंट स्टाइल के लिए, तो वो उसमें क्या रहता है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, इतनी मेहनत करेगा कि किसी तरीके से फेल नहीं हो सकता, ये हाई डोमिनेंस पर्सनालिटी की एक ये है। जो हाई इन्फ्लुएंशियल रहेगा फॉलो थ्रू कमिटमेंट्स के पीछे रहेगा, कोशिश करेगा। जो हाई स्टडी स्टाइल रहेगा वो
चेंज के लिए जो है ना परेशान रहता है, चेंज अगर आता है तो उस नहीं कर पाता है, और जो कंप्लायंस वाला रहेगा वो स्ट्रगल करेगा डिसीजंस लेने में, वो बार बार उसको बुक रेफर करनी पड़ेगी कि भाई रूल्स क्या कह रहे हैं, किस चीज पे काम करने की जरूरत होती है। हाई डोमिनेंट स्टाइल में एम्पथी, लोगों को समझना और धैर्य पेशेंस रखना, ये इनको लाने की जरूरत होती है। जो हाई इन्फ्लुएंशियल होते हैं उनको इमोशंस पे कंट्रोल करने की जरूरत होती है, और जो हाई स्टडी लोग होते हैं उनको थोड़ा असर्टिव होने की जरूरत होती है जब प्रेशर हो तो, और जो कंप्लाइंट लोग होते हैं वो सब चीजों की चिंता, मीन मेक निकालने वाली सिचुएशन जो है बहुत, मतलब एनालिटिकल, तो सब चीजों की सब बार चिंता करनी जरूरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से अंडर स्ट्रेस क्या होता है, तो जो हाई डोमिनेंट पर्सन है डिक्टोरियल हो जाएगा, डिक्टेट करेगा, बहुत ही क्रिटिकल रहेगा। हाई इन्फ्लुएंस पर्सन जो है वो स्कारिस्टिक हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा, बोलते हैं ना बनावटी, ये चीजें स्टोरीज भी कई बार बोलते हैं लोग इस तरीके। जो हाई स्टडी वाला रहेगा प्रेशर में सबमिसिव होगा, इनडिसीजिव हो जाएगा, और जो हाई कंप्लायंस वाला रहेगा वो विड्रॉन, अलूफ हो जाएगा, या फिर बहुत ही जिद्दी हो जाएगा, हेडस्ट्रॉन्ग। इस तरीके की चीजें हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, अब ये पार्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग, देखिए एज अ डॉक्टर हम लोग कहीं ना कहीं इस तरीके हमारी खुद की कुछ पर्सनालिटीज हैं और सामने वाले की पर्सनालिटी आउट ऑफ दीज कुछ न कुछ होगी, तो किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करें। अब मान लीजिए एक डिक्टेट कर रहा है और एक विड्रॉ कर रहा है, तो क्या कम्युनिकेशन बैठेगा? एक बोल रहा है ऐसा करना है, दूसरा वो वहां पे है ही नहीं, एब्सेंट माइंडेड, वुड इट बी अप्रोप्रिएट? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं रहेगा। कम्युनिकेशन जब दोनों साइड से हो, अच्छा एक बोल रहा है मुझे, जैसे मान लीजिए इन्फ्लुएंशियल पर्सन बोल रहा है मुझे सुनो, और दूसरा बोल रहा है नहीं पहले तुम ये करो, वुड इट बी पॉसिबल? नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज होती है, तो पर्सनैलिटी 100% तो नहीं बदली जा सकती, बट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट उसको कुछ हद तक मॉडिफाई किया जा सकता है, जो ट्रेमेंडस रिजल्ट्स लेके आती है। तो उसके लिए कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं मैं जो किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए डी कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग आपके सामने आते हैं, तो उनका कंसर्न रहता है कि कोई चीज सबसे पहले हो, मैं सबसे पहले पहुंचूं, सबसे पहले ठीक हूं, कब होगा, डिटरमाइंड वाला। तो उनको आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से होगा, किस क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। थिंक लॉजिकली, तो उनको रीजनिंग दिखानी पड़ेगी, क्या करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। वांट फैक्ट्स एंड हाइलाइट्स, तो उनको डेटा देना पड़ेगा। स्ट्राइव फॉर रिजल्ट्स, स्टेज वाइज उनको डिटेल्स बता दीजिए, क्योंकि वो रिजल्ट्स में बिलीव करते हैं, तो भाई 30 दिन में ठीक होगा, 20 दिन में ठीक होगा, जो भी रहेगा हम लोग ट्रीटमेंट के हिसाब से जानते हैं, तो उस हिसाब से वो एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगले दिन दे विल टेक अ कॉल कि नहीं भाई ये वाली दवा तो काम नहीं कर रही। दैट वे लाइक पर्सनल चॉइसेस, अलाउ देम टू डू देयर थिंग,
विद इन लिमिट्स, आप उनको बता दीजिए, दे विल डू इट। लाइफ चेंजेस, रूटीन जो है चेंज करने की बात रहेगी। सो प्रेफर टू डेलीगेट, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उसके लिए आप लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू मॉडिफाई देयर वर्क लोड फोकस। सो इस तरीके से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हुए उनको अगर हम एड्रेस करते हैं, तो हम बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे और हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंशियल जो पर्सनालिटी है उसकी बात करते हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कंसर्न्ड विथ अप्रूवल एंड अपीयरेंसेस। सो इफ समवन लाइक दिस कम्स टू यू, पहले उनको एडमायर करें, ग्रीट करें, दे फील वो ऐसा चाहते हैं कि उनको लोग नोटिस करें। इफ यू डू इट, अगर आप वो कर पाते हो, तो आपसे बढ़िया कोई नहीं है। आपकी दवा भी काम करेगी और चार लोगों को वो बोल भी आएंगे कि भाई ये डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हैं और इनसे जो है दवा का रिजल्ट मिलता है, और चार लोगों को वो नुस्खे भी बांट आएंगे। इस तरीके की चीजें होती हैं। सीक एंथुजियास्टिक पीपल एंड सिचुएशंस, तो उनसे ऑप्टिमिस्टिक और अपबीट सेटिंग में बात करना, मतलब पॉजिटिवली बात करना। वो इमोशनली थिंक करते हैं, तो उनकी फीलिंग्स को सपोर्ट करना जब पॉसिबल हो, हमेशा तो नहीं कर सकते, पर जब पॉसिबल हो। सो इस तरीके की चीजें हैं। नीड इन्वॉल्वमेंट एंड पीपल कॉन्टेक्ट, तो उनसे इंटरेक्ट करना, पार्टिसिपेटिव बनाना। लाइक चेंजेस एंड इनोवेशंस, तो रूटीन में जो है चेंज करना, जो भी चीजें हैं। इस तरीके से अगर हम उनको एड्रेस करते हैं, तो दे विल एडमायर योर सर्विसेज। वो आप जो भी इलाज कर रहे हैं, जिस तरीके से समझ रहे हैं, उसको वो समझेंगे और उसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरी स्टाइल जो है स्टडी स्टाइल, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो ज्यादातर स्टेबिलिटी से कंसर्न्ड होते हैं। तो मिनिमम मतलब उनका जो है ना, रूटीनाइज करिए, आप स्ट्रिक्ट करिए, दे विल फॉलो इट। लॉजिकली चीजों को थोड़ा समझा दें। डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स जो है वो चीजें। लाइक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करिए कि हाउ यू आर इम्पोर्टेंट, ही इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो उस हिसाब से जो है अगर हम समझाते हैं, तो और उनको रिलैक्स करते हैं, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देते हैं, तो वो कॉपरेट करेंगे और जो भी हम बताते हैं उसको एक्सेप्ट करके उसका परिपालन करेंगे। कंप्लायंसेस वाले की बात करते हैं, तो देखिए उनका जो है एग्रेसिव अप्रोच जब रहता है, तो उसके अगेंस्ट उनका कंसर्न रहता है, तो उनके लिए हमको इनडायरेक्ट वे में कई बार, या नॉन थ्रेटनिंग वे में, जब उनकी काउंसलिंग कर रहे हो, उनकी डायग्नोसिस कर रहे हो, तो उनसे मिलना चाहिए। कोई भी चीज एज अ सडन, जैसे मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट है, कुछ कंसर्निंग थिंग है, तो भी आप डायरेक्टली उनको ना बोल के इनडायरेक्टली बताएं और उस हिसाब से आगे लेके जाएं, तो उनके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि ज्यादातर चीजों से भागने की कोशिश करते हैं। थिंक लॉजिकली, तो उनको रीजनिंग बताना पड़ेगा। ये ज्यादातर चीजें खुद से करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें आपको उनको डेलीगेट करनी पड़ेगी, पार्टिसिपेटिव बनाना पड़ेगा। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट,
टैक्टफुली आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन एंड असिस्टेंस यू मे नीड। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर कोई चीज में, जैसे कई बार पेशेंट्स होते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि भाई अगर तुम ये जो भी चीजें हम बता रहे हैं, जो भी परहेज बता रहे हैं, उसका तुम फॉलो नहीं करोगे तो ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। इफ दैट थिंग्स आर क्लियर, दे विल अप्रिशिएट एंड वो उसको फॉलो करेंगे। सो ये मेरी तरफ से एक बेटर कम्युनिकेशन करने का और अंडरस्टैंड करने का, एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में ज्यादा बढ़िया रिलेशन बन सके, एक दूसरे को समझ सके, और उस हिसाब से अब वी कैन, हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेशेंट्स ये चीजें पढ़ेंगे, बट एज डॉक्टर्स हम ये चीजें समझ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल, हमारा ध्येय ये है कि हम पेशेंट्स को ठीक करें। तो उस हिसाब से अप्रोच लेके हम ज्यादा बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब का, जिन्होंने चिकित्सक के प्रकार, रोगी के प्रकार और उसका जो अंतर्मुखी स्वभाव है या बहिर्मुखी स्वभाव है, वलण अप्रोच स्वभाव के बारे में विश्लेषण किया है, और उसका रोगी और चिकित्सक के बीच जो संबंध है उसका विश्लेषण किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं खाट साहब से अनुरोध करता हूँ कि दो शब्द कहें। श्री दिनेश भाई बी खाट साहब। खाट साहब, खाट साहब अनम्यूट नहीं हो रहे। कोई बात नहीं। मैं श्री ओम प्रकाश तनेजा साहब से अनुरोध करता हूँ, वो अनम्यूट हो के कुछ दो शब्द कहें। श्री ओम प्रकाश तनेजा साहब, अनम्यूट हो साहब, अनम्यूट हो जाओ तनेजा साहब। मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रहे हैं, बोलिए बोलिए। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अनुभवी महानुभावों के वचन मुझे सुनने को मिल रहे हैं और उनका विश्लेषण डॉक्टर और मरीज, वैद्य और मरीज के जो विश्लेषण उन्होंने किया है बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से किया है, जिससे कि हम लोगों को काफी मदद मिलेगी समझने में। अब वैसे तो हमारा ये जो ग्रुप है इसमें जो मैं फोटो से देख रहा हूँ वो सभी उम्र दराज व अनुभवी महानुभाव उपस्थित हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने उन्होंने सरल शब्दों में वर्णन किया है उसको प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने भाग्य को सराह रहा हूं और मैं सोचता हूं कि आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा। धन्यवाद साहब। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। श्री ओम प्रकाश तनेजा साहब का आभार, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, सरस।